ये तो अभी भी खाली हाथ में लेके खड़े एंड ऑब्वियसली ये कैसा लगा आपको जब मैं आया? अच्छा लगा, यहाँ सरप्राइज हो गए। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द व्लॉगिंग डॉग अगेन। आज है 12th of July, आज एग्ज़ाम भी था, ठीक ही गया, मतलब एवरेज था एग्ज़ाम। और फिलहाल मैं खा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। यिप्पी, बहुत टाइम बाद मैं नूडल्स खाने वाला हूँ आज, वो भी इंडियन नूडल्स। ऐसे नूडल्स तो वहाँ पे खाते ही रहते हैं। तो अभी आप ये सोचोगे कि मैगी क्यों नहीं खा रहा, यिप्पी क्यों खा रहा है। तो यिप्पी मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं यिप्पी को हमेशा मैगी से ऊपर प्रायोरिटी वैसे भी देता हूँ, पहले भी देता था, अभी भी देता हूँ। और मैगी मैंने अभी फ़िलहाल ही खा ली थी जब तौसिफ इंडिया गया था, वो लेके आया था, थैंक्स टू तौसिफ। तो मैगी मैं खा चुका हूँ, तो फिलहाल यिप्पी खा रहे हैं। और मुझे यिप्पी वैसे ट्राई करनी है, मुझे यिप्पी का टेस्ट हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल अच्छा ही लग रहा है खा के, थोड़ा टेस्ट किया है, बाकी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा जो भी कंटेंट होगा, हर दिन तो मैं बना नहीं सकता, तो थोड़ा थोड़ा जब भी कंटेंट मिलेगा अच्छा अच्छा बना के, और जब इवेंचुअली फाइनली एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा वीडियो बनाने जितना, तो उसको अपलोड कर देंगे। फिलहाल आज तो 12th July है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हाँ, अरे यार शिट, ये बनाना भूल ही गया, आज मैंने बाइक चलाई बहुत 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 दिनों बाद। और मैं ऐसे ही घूम रहा था बाइक को, मतलब कहीं जाना नहीं था, कुछ भी नहीं, मैं ऐसे बाइक लेकर घूम रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था मैं सही चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, बट मैंने चला ली, मज़ा आ रहा था मुझे बाइक चलाने में, मस्त पल्सर लेके घूमने जा रहा था मैं पूरे बाली में। फिलहाल तो अभी यही है, और प्रोबेबली मैं भी कुछ दिनों में जोधपुर जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ अभी मैंने किसी को बताया नहीं, तो उन लोगों के लिए भी अभी सरप्राइज़ है मेरे बाकी रिलेटिव्स के लिए। और तो बस अभी यही है जो है अपडेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं नहा धो के हो गया हूँ तैयार, और अभी हम जाने वाले हैं जोधपुर, क्योंकि कल रात को मेरे दादा की तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर ओटी में गए, उनकी सर्जरी हुई, माइनर थी पर हुई। तो अभी बस उनसे मिलने के लिए जोधपुर जा रहे हैं, और वैसे मैं जोधपुर अभी तक किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, उन सबके लिए सरप्राइज़ होने वाला है। तो बस चलते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं और दादा से मिलते हैं। वैसे मेरा प्लान थोड़ा लेट था जाने का, तो कोई बात नहीं, पर अभी चले जाते हैं, मिल के आ जाते हैं और सरप्राइज़ दे देते हैं उनको, उनके हाल चाल भी पूछ के आते हैं। तो चलो चलते हैं जोधपुर। फाइनली जोधपुर आ गए हैं, और मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आया। मैं सोचा पहले दादा से मिलते हैं, वो भी डिस्चार्ज किया नहीं है, तो मिलके फिर कर जाएंगे। तो चलो मिलते हैं उनसे, उनको सरप्राइज देते हैं। चलो नमस्कार, ठीक है, रहो ठीक हो? कैसा लगा आपको जब मैं आया? अच्छा लगा, अच्छा लगा, सरप्राइज हो गए? अच्छा लगा। अब तो ऊँची नहीं बोलो सौरभ भाई, अब तो चल मोड़ो आई सौरभ। राय गो जल्दी जल्दी। हाय करो, हाय करो। सो फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ, सरप्राइज देने का प्लान था, पर ये इसको सरप्राइज देना था, पर ये हॉस्पिटल आ गया मेरे को सरप्राइज करने, और मैं सोचा मैं घर जाके इसको सरप्राइज करूँगा, पर हॉस्पिटल आके इसने मेरे को सरप्राइज कर दिया। बस चलो कोई बात नहीं, अभी एक और जगह है जिसको सरप्राइज देना, इसको सरप्राइज देने चलते हैं अंधेरा होने से पहले। चलो चलते हैं। हाय हाय, तो करो हाय, कॉफी पियो, कॉफी कॉफी बताओ कॉफी। क्या पी रहे हो आप?
पाका पाका। जब मैं इंडिया से किर्गिस्तान गया था, यहाँ मेरा घर था और इन लोगों ने मेरा घर तोड़ दिया। अभी मैं वापस आया हूँ और यहाँ से रोड निकाल दी है। अभी हमको दूसरे घर में रहना पड़ रहा है। मेरा घर चला गया, दिखते यार जैसा पूरा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सब कुछ हटा दिया। और वो है मेरे कज़न का घर, तो चलो उससे मिल के आते हैं फिलहाल और उसको सरप्राइज करते हैं। सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, कुछ नहीं रहा, लगा खंडर में रह रहे हो हम। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है भाई। आने जाने का रास्ता क्या है, सब कुछ मुझे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। चल तो ध्रुव को बुला के लेकर, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। पहले यहाँ से सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आते थे, अब ऊपर आके नीचे जा रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत 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 दुख हो रहा है। सब कुछ चला गया, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। कम से कम ये पेड़ तो छोड़ा इन्होंने, थोड़ा छोटा वाला गार्डन तो छोड़ा इन्होंने। अभी आधे घंटे पहले मैंने कहा 20 दिन बाद आए, मैसेज करके बोले 1 महीने बाद आऊंगा, अभी आए आते आते। इनको मैं 10 दिन से लगातार मैसेज कर रहा हूँ, आओ आओ, नहीं मैं 1 महीने बाद आऊंगा, मेरी फ्लाइट बुक नहीं हुई है, और अब आ जाके वो बोल रहे मैं आ गया सरप्राइज। और सर मेरी आई टाइम से बड़ी हो गई, तो अब क्या, मैं छोटे रहता हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो जोधपुर आने का जो मेन कारण था पानी पूरी खानी थी मुझे यहाँ की। मैं वेट कर रहा था पानी पूरी खाने का, तो अब आ चुका हूँ पानी पूरी के स्टॉल पे और अभी हम खाएंगे पानी पूरी। बहुत 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 टाइम बाद खाने वाला हूँ, होपफुली अच्छी हो, मतलब जैसा मेरे को टेस्ट एक्सपेक्टेड है वैसे ही टेस्ट हो। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पानी पूरी खाने, अभी आप देख सकते हैं हम वेटिंग में हैं। ये बंदा भी यहाँ पे वेटिंग में खड़ा है, ये भी हमारे साथ आई है। अंकल जी क्यों पानी पूरी बनाने वाले भैया? अंकल जी यार, वैसे यहाँ पे एक अंकल जी वो आ गए। अंकल जी आपकी सुन ली, ऐसे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी ऐसे। तो गाइस हम अभी भी वेटिंग में खड़े हैं, इतनी लंबी लाइन है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इन्होंने कुछ भी मसाले वाली चीज़ें इतने महीनों तक नहीं खाई है, हम इन्हें रोज़ चिढ़ाते थे, हम तो खा रहे थे लेकिन फिर भी वेटिंग में खड़े हैं। ये भी आई है, अभी पहले मैं खाऊंगा, तुम लोग बैठ के देखना फिर तुम खाना। फिलहाल कुछ टाइम तक 1-2 व्लॉग में मैं व्लॉगर हूँ। फाइनली इनका नंबर आते हुए बेल बना रही है, बड़ी वेट के बाद में इनका नंबर आ चुका है। फाइनली नंबर आ चुका है, ये लोग खाते हुए, ये तो अभी भी खाली हाथ में लेके खड़े। एंड ऑब्वियसली हियर इज द फर्स्ट बाइट आफ्टर अ लॉन्ग वेट। थोड़ा तीखा करो भैया, मुंह जलना चाहिए। अब तो इतने बाइट हो गए, क्या सा फील कर रहे हैं आप? इतने बाइट हो गए, वो तो ऑब्वियसली होना ही।
इंडिया में सब तीखा खाना पसंद करते हैं और वहाँ पे सब फीका फीका खाते हैं। इधर भी पानी पूरी के लुत्फ उठाए रहे हैं।